तो हेलो दोस्तों, आज स्टार्ट करेंगे हम लोग 12th का एक्स्ट्रा एज टॉपिक्स बायोलॉजी में। ठीक है, तो हमने जिसने फर्स्ट वीडियो देखा नहीं तो उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वो आप देख लो, जिसमें 11th के कौन से एक्स्ट्रा एज टॉपिक्स कवर करने पूरी लिस्ट बताई है। ठीक है, तो इसमें हम वही बताएंगे कि 12th में कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं एक्स्ट्रा एज के। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको पूरा एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, हम एनसीईआरटी पूरा कवर कर रहे हैं, हर वीक में दो दो चैप्टर्स करके हम लोग पूरा एनसीईआरटी बायोलॉजी कवर करने वाले आपका जैन तक। उसके बाद हम लोग ये एक्स्ट्रा एज टॉपिक देखेंगे जो आपको पता होने चाहिए अगर आप बायो में 360 अगर आप एम कर रहे हो तो आपको ये टॉपिक्स पता होने चाहिए। और इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई मॉड्यूल नहीं, कोई ट्रूमैन नहीं, कोई अलग बुक नहीं पढ़नी है, सिर्फ यही आपको पढ़ना है। तो क्या क्या है, अब हम आते हैं फर्स्ट चैप्टर पे। आपका होता है रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स वाला जो फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो उसमें आपको प्योरली एनसीईआरटी करना है। अब एनसीईआरटी में बहुत लोग छोड़ देते हैं वो टेबल जहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर दिया हुआ है, ऑफियोग्लॉसम, अफर्न, वो सारी चीज़ें आपको ढंग से पढ़नी है, लाइफ स्पैन दिए हुए स्टार्टिंग में वो आपको ढंग से पढ़ने हैं, लेकिन सारे एनसीईआरटी से। ठीक है, क्लियर। तो फर्स्ट चैप्टर में आपको कुछ भी एनसीईआरटी के बाहर से नहीं पढ़ना। सेकेंड चैप्टर आपके पास होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, अब इसका लिंक कहीं ना कहीं होता है प्लांट किंगडम से। ठीक है, दोनों को लिंक करके पढ़ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स FP। ठीक है, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको सिर्फ एक चीज़ पढ़नी है जो मुझे लगता है कि आने की पॉसिबिलिटी होती है और आपको कहीं ना कहीं वो मॉड्यूल के जो टेस्ट होते हैं आपके उसमें आपको देखने को मिल जाती है, वो होते हैं आपके टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स, टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स, एनाट्रोपस ओव्यूल्स, ऑर्थोट्रोपस, ठीक है सारे। ठीक है, हेमी ऑर्थोट्रोपस जो होते हैं, ठीक है, रायंकुलस वाला, ठीक है, वो सारे चीज़ आपको मतलब पढ़नी होती है। तो टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स कुछ टाइप, 6 टाइप्स है मेन। ठीक है, वो आपको पढ़ने हैं, उसमें सबसे कॉमन होता है एनाट्रोपस, 82% एंजियोस्पर्म्स में एनाट्रोपस ओव्यूल्स होता है जो इन्वर्टेड होता है। ठीक है, बहुत सारे होते हैं वो आपको पढ़ने, 6 टाइप है, उसको एक बार लिख लो, मैं बाद में बता दूंगा आपको। तो ये आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है। फिर आते ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, सिर्फ कुछ चीज़ें जो एनसीईआरटी में ही है उसको आपको डिटेल में पढ़ना है, जो आपका पेनिस है, ठीक है, जो आपका मेल, ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया है उसको आपको ढंग से पढ़ना है, क्योंकि उसमें कुछ ये होते हैं, ठीक है, टिश्यूज होते हैं, कॉर्पस कैवर्नोसा, कॉर्पस स्पॉन्जोसम, तो ये एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए और कभी कभी मैंने देखा क्वेश्चन आते हैं उससे। ठीक है, फिर आपका एक पॉइंट है कि आपका जो, सॉरी, यही इसी में एक पॉइंट है। ठीक है, तो आपका इसी में एक पॉइंट है कि आपका जो टाइप्स ऑफ ये होते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन्स, एमनियोटिक लेयर्स, ठीक है, वो आपको पढ़ना है लास्ट में। ठीक है, और आपको एक पढ़ना है कि डिटेल में जो आपको पढ़ना है वो है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ, आपको थोड़ा सा डिटेल में जाकर पढ़ना है कि क्या क्या चीज़ें होती है और इसके कुछ इरेगुलर होते हैं उस डिसीजेस को, मतलब डिसऑर्डर जो हो गया, मतलब कि अगर एक्स्ट्रा ब्लड आ रहा है या कुछ भी जो होता है इरेगुलर आ रहा है तो उसको क्या कहते हैं, कुछ नाम्स दिए हुए, नेम्स जो मैंने देखा प्रीवियस ईयर में पूछे गए या एम्स में पूछे गए। ठीक है, वो भी मैं कवर करवा दूंगा आपके। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्स्ट्रा एज टॉपिक फ्रॉम ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और एक और चीज़ है, बहुत लोग इंडिकेट करते हैं कि आपको जो होमोलोगस वाली चीज़ दी हुई होती है यहाँ पे, होमोलोगस मतलब कि लेबिया मजोरा जो होता है वो किसके साथ होमोलोगस होता है, लेबिया माइनोरा किसके साथ होमोलोगस होता है, क्लाइटोरिस किसके साथ होमोलोगस होता है। ठीक है, मतलब आपको फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया और मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का कंपेरिजन आना चाहिए, तो वो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके मेन पॉइंट्स। अब आते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अब इसमें न्यू एनसीईआरटी में वो ऐड किया गया है, एनसीईआरटी में आपका जो MTP है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड किया गया है कि कितने डॉक्टर्स का आपको सलाह लेना चाहिए, तो वो एक बार पढ़ लेना अगर आपकी एनसीईआरटी पुरानी है। अगर आपकी एनसीईआरटी न्यू है तो कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ी लोगे, उसको कवर कर लेना। और इसमें एक और खास बात है, इसका समरी में लास्ट में एक पॉइंट दिया हुआ है, मैं आपको बाद में बता दूंगा, वो भी आपको कवर करना पड़ेगा। एनसीईआरटी से बाहर इस चैप्टर में जाने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा है कि कई मॉड्यूल्स में बहुत सारे ड्रग्स के नाम दिए होते हैं, जो होता है DPMA, ठीक है, DMPA, वो सारे ड्रग्स होते हैं अलग अलग टाइप के। ठीक है, इस्ट्रोजन डेरिवेटिव्स के नाम दिए होते हैं, प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव्स के नाम दिए होते हैं और बहुत सारे ड्रग्स दिए होते हैं कि ये आपका ये प्रिवेंट करेगा, ये प्रिवेंट करेगा, कुछ नहीं करना है आपका। एनसीईआरटी से ही आपको सब कुछ पढ़ना है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, डिपोट मेड्रॉक्स जो होता है आपका ड्रग, पता होगा आपको। ठीक है, तो ये कुछ मॉड्यूल्स में दिया हुआ है और बहुत सारी चीज़ें, स्पर्मिसाइडल्स, कुछ नहीं पढ़ना है आपको, जितना एनसीईआरटी में है लाइन बना के पॉइंट वाइज पढ़ लो।
ठीक है। उसके बाद आपका आता है फर्स्ट यूनिट कवर हो गया। सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म कुछ नहीं पढ़ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आपको जो है टाइप्स ऑफ ओव्स पढ़ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ा आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगला चैप्टर जो आपका है जेनेटिक्स, जो जहाँ से बाहर से सबसे ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटी है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी टू कम फ्रॉम आउटसाइड, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि यहाँ से क्वेश्चन जो है आउटसाइड बाहर से आ जाए, ठीक है। तो इसमें क्या पढ़ना है एक्स्ट्रा आपको, ठीक है, मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है। एक्स्ट्रा डेटा मत याद करना, थोड़े कुछ पॉइंट्स किस वजह से फेल हुआ, क्या मतलब किस वजह सक्सेसफुल हुआ, क्या उसके ड्रॉबैक्स थे, थोड़ा आप थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना, इंटरनेट में इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है। उसके बाद जो ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग है उसके उसको कैसे करते हैं, क्या है मतलब मल्टीपल एलिज्म जो होता है आपका वो क्या कैसे वर्क करता है, उस चीज़ को थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। फिर नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन जो होते हैं, ठीक है, सारी चीज़ आपको पढ़नी ढंग से पढ़नी है, ठीक है, कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, सप्लीमेंट्री क्या होगा, उनके रेशियोज क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रेशियोज आपको याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, किस चीज़ के रेशियोज कॉम्प्लीमेंट्री के, ठीक है। जो आपका एपिस्टैसिस होता है, एपिस्टैसिस, ठीक है, इसमें दो टाइप होते हैं, रेसेसिव एपिस्टैसिस और डोमिनेंट एपिस्टैसिस, उनका टाइप के रेशियोज याद रखने, सप्लीमेंट्री के याद रखने, कोलैबोरेट जितने भी है सब कुछ के आपको जो है याद रखने हैं रेशोस, क्योंकि रेशोस से एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे जो है एक टेबल बना के मैं आपको दे दूंगा, आपके मॉड्यूल्स में भी होगा, वहाँ से आप ये टेबल को याद कर लेना, यहाँ से आने की पॉसिबिलिटी बनती है। उसके बाद और कहाँ से बनेगा ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, तो आपका जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने आने चाहिए, ठीक है। न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं पता होगा आपको, मैंने डिस्कस भी किए थे नीट के पहले, ठीक है, कि समझो एक जीन के देखो ये ए ए बी बी सी सी, ठीक है, तीनों हेटरोजाइगस है, अगर ये अगर है तो समझो कोई कोई भी चीज़ जो है 30 ग्राम बन रही है, ठीक है, और सारे कैपिटल है, ठीक है, और अब उस सारे कैपिटल होने के बाद जो है वो चीज़ 60 ग्राम बन रही है, तो इस रेशियो में क्या बनेगा, तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, हम आगे कवर करेंगे इस टाइप के न्यूमेरिकल्स, ठीक है। फिर आपका एक और होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्से बैलेंस थ्योरी, जेनेटिक बैलेंस थ्योरी जो दी थी हमारी सी बी ब्रिजेस ने, ठीक है, उसको पढ़ लेना, ठीक है, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है क्योंकि प्रीवियस ईयर में आया हुआ और कुछ नहीं, ठीक है। फिर आपका लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका पेडिग्री, पेडिग्री में इतने सारे सिंबल्स नहीं दिए हुए हैं, एक तो कॉमन ही है कॉन्सेंजीनियस मीटिंग, मतलब जो क्लोज रिलेटिव्स में मीटिंग होते हैं, समझते हैं कॉन्सेंजीनियस मीटिंग, बाकी जो सिंबल्स है इसके आपको सिंबल देख लेने एक बार, क्योंकि एनसीईआरटी में सारे सिंबल नहीं दिए हुए सिंबल्स, ठीक है। इसके बाद आपको पेडिग्री में आपको क्या देखना है, पेडिग्री में एनसीईआरटी में दो ही पेडिग्री दिए हुए, आपको और टाइप के पेडिग्री सॉल्व करने आने चाहिए, सॉल्विंग, ठीक है। उसके बाद जो डिसीजेस डिसऑर्डर्स दिए हुए एनसीईआरटी में, ठीक है, सारे डिसऑर्डर्स जो दिए हुए उसको आप ऐसे कैसे पढ़ोगे, और लास्ट जो तीन है, एक दो तीन कौन से है, डाउन सिंड्रोम, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, ये तीनों को आपको अच्छे से पढ़ना है, और ये एनसीईआरटी में जितना दिया उतना ही करना, एक डायग्राम से टर्नर का और क्लाइनफिल्टर का डायग्राम देख लेना, बस ये एनसीईआरटी इतना ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग आगे मॉलिकुलर बेसिस में, इसमें आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, आपको जो टॉपिक्स दिए हुए हैं आपको बाहर की कोई चीज़ें याद नहीं करनी है, टाटा बॉक्स वगैरह सारी चीज़ें इतना याद नहीं करना आपको, ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको जो आपका डीएनए रेप्लिकेशन है, जो आपका ट्रांसक्रिप्शन है, और जो आपका ट्रांसलेशन है, और आपका लैक ओपेरॉन है, ठीक है, और एक आपकी चीज है, ठीक है, और क्या हो गया हमारा, ये हो गया जेनेटिक कोड, जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है उससे हर इसको आपको क्या करना है, आपको ये पांच टॉपिक्स में पूरा चैप्टर है, 1 2 3 4 5 और इससे 4 questions आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, 4 questions आएंगे, इन 4 topics में से ही आप 5 topics से 4 questions आपके लगभग आने वाले हैं, ठीक है। तो क्या करना है आपको, सिंपली
जब आप प्रिपरेशन पढ़ोगे तो आप कोई भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो जहाँ से पढ़ रहे हो पढ़ लेना, अभी तो ऑनलाइन है सब कुछ, ठीक है, उसके नोट्स प्रॉपर बनाना इस चीज़ के, मतलब आपको उससे बाहर नहीं पढ़ना है, जो आपके टीचर्स करवा देंगे वो आपके लिए इनफ होगा, तो आपको उतना ही करना है और आपका एनसीईआरटी ही पढ़ना है बार बार इसके लिए, ठीक है, स्टेटमेंट, क्योंकि एनसीईआरटी ये आपका कंसेप्ट है, ये पांचों के पांचों क्या है, कंसेप्ट है। तो आपको एक बार समझ में आ गया कि डीएनए से डीएनए कैसे बनता है, डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है, लाइकोपोरान कैसे होते हैं, ठीक है, जेड वाई ए किसके लिए कोड करता है, क्या क्या चीज़ें आती है, ऑफ कब होता है, ऑन कब होता है, इंड्यूसर क्या है, ठीक है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी। तो आपको कंसेप्ट समझ लेना पहली बात, यहाँ पे कंसेप्ट पे फोकस करना और फिर एनसीईआरटी के लाइन से फोकस करना, थोड़ा एक आध पॉइंट आप बाहर जा सकते हो इन चीज़ों में, ठीक है। जेनेटिक कोड में भी आपको पूरा कोड याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं आपको आपने ट्रिक दे दूंगा लास्ट में, लेकिन अभी याद करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगा उसकी वजह से, ठीक है। और आपका जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो सबसे बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है वो, उसका कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी के डेटा याद कर लो सिर्फ, ठीक है, एनसीईआरटी का। और ये जो आपके चैप्टर्स है, ये जो टॉपिक्स है, डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, लाइकोपोरान, सारे चीज़ें हमने वीडियोज बनाए हुए हैं, चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसका ये पांचों टॉपिक्स हमने डिटेल में कवर किए हैं बहुत कम टाइम में, कुछ 15 से 20 मिनट का एक लेक्चर है, आप पांचों टॉपिक कवर कर लो, अगर आपका अभी टाइम है तो आप भी कर लो कि ये बहुत ज़्यादा आपको बाद में दिक्कत दे सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारा, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए, अब इवोल्यूशन पे आते हैं। इवोल्यूशन में कुछ नहीं करना, ठीक है, आपको कुछ लोग बोलेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स कर लो, वो जो टाइम पीरियड होते हैं, ठीक है, टाइम पीरियड जो दिए हुए होते हैं, क्रेटेशियस पीरियड, डेवोनियन, सिलूरियन, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिलूरियन, सारी चीज़ें आपको कुछ नहीं पढ़ना, स्ट्रिक्टली नो, ठीक है, हमसे करवाए गए थे ये, लेकिन आप मत करना ये क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। और लास्ट एग्जाम के पहले तो मुझे याद भी नहीं थे, मैंने कुछ ट्रिक बनाए थे उसके, अगर आपको चाहिए हो तो मैं ट्रिक दे दूंगा, कॉस डी सी पी, ठीक है, सी ओ एस डी सी पी, तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है। तो आपको इंग्लिश में कुछ नहीं पढ़ना है बाहर से। अब आते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, इसमें भी आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना इसमें कि जो आपका इम्यूनाइजेशन है, ठीक है, वो आप एक बार देख लेना बाहर से थोड़ा सा, ठीक है। और एक पॉइंट आपका कि आपका जो कैंसर और एड्स है जिसके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, उसको भी एक बार देख लेना थोड़ा सा कि कैसे होते हैं ऑन्कोजींस, प्रोटोजींस, कैसे कैसे उनमें क्या क्या होता है, एक बार थोड़ा ओवरव्यू देना, ज़्यादा डीप में इसको नहीं पढ़ना है। डिसीजेस में आपको सिर्फ मोस्टली उनके नेम याद होने चाहिए, वेक्टर जो है, जो कॉजिटिव एजेंट है, वेक्टर बोल रहा हूँ, कॉजिटिव एजेंट जो है उसका नाम याद होना चाहिए, और उसके जो है कुछ सिम्टम हम बाद में डिस्कस करेंगे उसको, एनसीईआरटी में जितने दिए हुए सिम्टम वो आपको याद रखने हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग हमारा कौन सा स्ट्रेटजीज, ठीक है, कुछ नहीं पढ़ना बाहर से, स्ट्रिक्ट नो, ठीक है, स्ट्रिक्ट इसके लिए हमारा क्या है, नो है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा बाहर से। फिर माइक्रोब्स, इससे ही बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा गारंटीड, ठीक है। उसके बाद आपका आता है बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक में आपको बाहर से एक थोड़ा सा चीज पढ़ना पड़ेगा जो लास्ट में दिया हुआ है, ठीक है, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पहले क्या होता है डीनेचुरेशन, फिर रीनेचुरेशन, फिर एक्सटेंशन, ठीक है, रीनेचुरेशन को हम लोग एनलिम भी कहते हैं। तो क्या स्टेप्स में होता है, इसका जो है टेम्परेचर्स मेंशन नहीं है, 94 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 72 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 54 शायद, ठीक है, तो ये डेटा है, तो ये आपको एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है ये डेटा, तो ये डेटा आपको याद करना है क्योंकि इस डेटा से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बनती है कि ये डेटा आपको सीधा पूछ लो, और ये प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और ये एनसीईआरटी में नहीं है, तो बायोटेक में आपको ये देख लेना है एक, ठीक है। बाकी आपको समझ के लेना है कि कैसे होता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, बाहर से कुछ नहीं आएगा, ठीक है। एक होता है स्यूडोमोनास प्यूटिडा, ठीक है, सुपरबग, उस जो आपको पता होगा ऑयल स्पिल्स पे, तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ, आगे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। इतना ही आपको पढ़ना है। और आपका लास्ट टॉपिक आता है इकोलॉजी, स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली, अगर आपको कोई भी बोल रहा हो को इकोलॉजी में, ठीक है, आपको ऊपर बता रहा हूँ मैं आपको, कोई भी आपको बोल रहा हो को इकोलॉजी में बाहर से मॉड्यूल पढ़ी है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने इकोलॉजी के मॉड्यूल्स बिल्कुल भी नहीं छुए, कोई भी मॉड्यूल्स, क्योंकि मुझे पता था कि जो क्वेश्चन आएगा इंसेंटिव आएगा। और ये याद रखना
इकोलॉजी से आपके 8 to 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। इससे आपके सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से होंगे। अगर इफ एनी क्वेश्चन जो आपका बाहर से आया, बाय चांस अगर क्वेश्चन आपका बाहर से आया, सारे एनसीईआरटी से होंगे वैसे तो, कभी कभी बाहर से आते थे क्वेश्चन, अगर एक हाफ क्वेश्चन बाहर से भी आया तो वो ना ही आपके मॉड्यूल में होगा, ठीक है, ना ही आपके एनसीईआरटी में होगा, वो पूरा ही बाहर से होगा। वो हो सकते कि प्रीवियस ईयर में हो, ठीक है, प्रीवियस ईयर करने आपको हो सकता है कि वो, यहाँ पे देखिए ग्रीन से लिख रहा हूँ, प्रीवियस ईयर में हो आप क्वेश्चन, लेकिन मॉड्यूल में नहीं होगा वो गारंटी रहेगी। क्योंकि हर बार फॉर एग्जांपल वो पूछ लेंगे यूएसए का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, इसका ये बड़ा नेशनल पार्क, मतलब इकोलॉजी है वो, ठीक है, थोड़ा जीके पूछ सकते हैं एक क्वेश्चन, लेकिन वो आया तो सबके लिए बाउंसर होगा, ठीक है, सबके लिए ये, एवरीवन के लिए ये बाउंसर ही होगा, और ये सब लोग छोड़ ही देंगे क्वेश्चन, ठीक है, मोस्टली। तो किसी को पता हो जीके का नॉलेज तो कर देगा, लेकिन मोस्टली छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये पूरा ही बाहर से आएगा, ठीक है, पूरा ही बाहर से आएगा, आया तो भी मॉडल से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्या होता है, जैसे अगर ये क्वेश्चन अगर समझो 2021 में या 2020 में कोई क्वेश्चन आ जाता कि मतलब बाहर से आ गया होता इकोलॉजी में, तो क्या करते 2021 में जो क्लासेस वाले मॉडल बनाते हैं उसमें वो क्वेश्चन ऐड कर देते हैं, आपको लगता है कि सारा चीजें मॉडल से आ रहे हैं, नहीं, जो क्वेश्चन आता है पहली बार बाहर से आता है, फिर वो लोग मॉडल में ऐड करते हैं। तो ये था पूरा, आपको क्या क्या पढ़ना था इकोलॉजी में, आपको कुछ भी एक भी छोटी सी भी चीज़ बाहर से नहीं पढ़नी एनसीईआरटी को मेनी टाइम्स, ठीक है, एनसीईआरटी में ही इतनी चीज़ें हैं कि आप लोग वही खत्म नहीं कर पाओगे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें एनसीईआरटी में जो आप खत्म नहीं कर पाओगे, बहुत आपको बहुत बार मैंने एटलीस्ट 15 to 20 टाइम्स लास्ट में, ठीक है, लास्ट में मतलब लास्ट के 4-5 मंथ्स में, ठीक है, जब मैंने मॉक टेस्ट छोड़ा था उस वक्त ही मैंने 25 से 20 बार जो है इकोलॉजी के एनसीईआरटी पढ़े, क्योंकि उसमें बहुत सारे डेटा है, चीज़ें हैं, और डेटा मैं लास्ट में इतना रिवाइज भी नहीं किया बायोलॉजी, और मुझे डेटा याद था, ठीक है, तो उस पर्पज से आपको प्रिपरेशन करना है। तो चलिए दोस्तों, अगर कोई भी डाउट हो मुझे पूछ सकते हो, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम का ऐड लीजिए, मिल जाएगा, कोरा पे हो तो कोरा का आप बहुत से इस्तेमाल कर सकते हो आपके डाउट्स पूछने के लिए, ठीक है, कोरा पे बहुत लोग अपने डाउट्स पूछते हैं, जो भी उनको क्वेरी था कैसे पढ़े क्या नहीं।